हेलो फ्रेंड्स, रेनूज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी किसी के बर्थडे के लिए। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसको हम डेकोरेट भी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन लेंगे, उसको हम ऑयल या फिर बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसके बॉटम के साइज़ का काट के बटर पेपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से इस पर मैदा डाल के अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हटा देंगे। अब हम इस तरह का कोई स्ट्रेनर लेंगे और उसमें एक कप मैदा, 3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर और 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम 1/2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। ये जो लम्ब्स है उसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। बाकी जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई में हम 1 कप नमक डालेंगे। इस नमक को मैंने पहले भी कई बार यूज़ किया है और इसको अच्छे से इसके बॉटम में अच्छे से फैला लेंगे। इसको फैलाने के बाद हम इसमें इस तरह की कोई प्लेट या कटोरी हो इस तरह से उल्टा करके रख देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह वायर स्टैंड भी रख सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम केक का बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1/2 कप शुगर लिया है, इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। शुगर अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। आप इसकी जगह चाहे तो मेल्टेड बटर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क मेड डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप ऑयल की जगह बटर यूज कर सकते हैं, बटर से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था अब हम डालेंगे उसको। इसको डालने के बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क और डालेंगे। मिल्क डालने के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच वैनिला एसेंस डालेंगे और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको हम डायरेक्ट केक टिन में डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है। तरह से जार में जो लगा है वो भी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको तरह टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो बड़े बड़े एयर बबल हैं वो निकल जाएं। अब इसको हम ले चलेंगे। हमने जो 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखा था अब उसके हम ओपन करेंगे और इसमें हम केक टिन को रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम इसे 30 से 35-40 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चॉकलेट गनाश बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप पानी ले लिया है, उसको फ्लेम पे चढ़ा दिया है। इसके ऊपर हम एक ग्लास का बोल रखेंगे, आप चाहे तो कोई भी बोल रख सकते हैं, नॉर्मल बोल। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क डालेंगे और मिल्क को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मिल्क जो थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर मैंने यहाँ 1 40 रुपये वाला डेयरी मिल्क लिया है, इसको हम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे। अब ये लगभग मेल्ट हो चुका है लेकिन ये थोड़ा पतला है अभी, इसको हम इसी तरह थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच बटर डालेंगे और इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा होगा। अब इसे हम हटा के ठंडा होने के लिए रख देंगे।
लगभग 30 मिनट हो गए हैं। अब हम केक चेक करेंगे कि अच्छे से पका है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ एक टूथपिक लिया है। इस टूथपिक को हम इसमें डाल के देखेंगे। देख सकते हैं आप, ये एकदम क्लीन बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम केक टिन को बाहर निकाल के रख देंगे। इसको लगभग 1 से 2 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। इसको अब हम डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितने आराम से ये निकल गया बिना बटर पेपर के। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालूंगी। देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है और एकदम स्मूथ हो गया है। अब इसको हम ऊपर से इस तरह से डाल के फैला लेंगे अच्छे से। इसको मैंने चारों तरफ अच्छे से इवेनली फैला लिया है। देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं ग्रेट किया हुआ चॉकलेट डालूंगी। यहाँ मैंने 20 रुपए वाला डेरी मिल्क का चॉकलेट लिया था और इसको ग्रेट कर लिया है और इसको इस तरह से केक डाल रही हूँ। इसको इवेनली मैंने चारों तरफ से डाला है। मैंने केक के ऊपर चारों ओर अच्छे से ग्रेट किया हुआ चॉकलेट डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये प्लेट काफ़ी गंदा हो गया है। अब इस केक को हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ जेम्स लिया है और इसको इस तरह से हम किनारे किनारे रख देंगे। इसको इस तरह डेकोरेट करने के बाद मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है ताकि ये चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये 2 घंटे के बाद मैंने केक बाहर निकाला है। इसमें मैंने बर्थडे का स्टैंड लगा दिया है। ये केक मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बनाया है क्योंकि आजकल यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और मैं बाहर से केक मंगाना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये घर पे बनाया है। आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको डेकोरेट करना भी बहुत आसान है। तो अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है तो आप इस तरह से बना सकते हैं केक। अब ये केक कटिंग के लिए तैयार है तो मैं अब आपको दिखाती हूँ केक कटिंग के बाद। सॉरी मैं आपको केक कटिंग के टाइम नहीं दिखा पाई, अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर और स्पॉन्जीनेस आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो इस तरह से आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।